नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं टेक दूत। माफी चाहूंगा वीडियो बनाने में थोड़ी देर हो गई। आज मैं आपके लिए लाया हूं जियो फोन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ये इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। मेरी पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जियो फोन के रजिस्ट्रेशन 24 अगस्त शाम से शुरू होने वाले हैं, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ भी पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे आपको फिलहाल। लेकिन अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ये है कि फिलहाल आपको बुकिंग करते वक्त ₹500 का पेमेंट करना पड़ेगा। जब आपकी डिलीवरी होगी जिस भी दिन, उस दिन आपको बाकी के ₹1000 पे करने पड़ेंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जियो फोन की बुकिंग करने का सबसे आसान तरीका, जो कि है जियो माई जियो ऐप यूज़ करके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको माई जियो ऐप पर टैप करना है। जैसे ही माई जियो ऐप खुल जाता है, आपको स्वाइप लेफ्ट या राइट करना है, जिससे कि आपको प्री बुकिंग वाला स्क्रीन आ जाएगा। उसके बाद आपको प्री बुक नाउ बटन पे टैप करना है। अगला स्क्रीन खुलेगा जो आपको आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। आपको यहाँ पे जिस भी नंबर पे आपको ये फ़ोन डिलीवर्ड चाहिए, आपको वो नंबर यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल दे रहा हूँ, सबमिट दबाते हैं। इसके बाद ये आपसे एंटर न्यू पिन कोड पूछता है, जो कि आपका पिन कोड होगा जहाँ पे आप फ़ोन मंगाना चाहते हैं। जिस एरिया में आप फ़ोन मंगाना चाहते हैं, उस एरिया का आपको यहाँ पे पिन कोड डालना होगा। तो मैं यहाँ का पिन कोड डाल देता हूँ। इसके बाद आपको प्रोसीड बटन दबाना है। इस स्क्रीन पे ये कंफर्म हो गया है कि आपने एक फ़ोन के लिए ऑर्डर किया है। आपने बुकिंग ओनर मोबाइल नंबर में ये मोबाइल नंबर डाला है और डिलीवरी पिन कोड एरिया कौन सा है। उसके बाद आपको प्रोसीड बटन फिर से एक बार टैप करना है और अगला स्क्रीन आ जाता है, जो कि आपकी डिटेल कंफर्म करता है, कंफर्म बुकिंग फॉर योर नंबर्स। नंबर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आप एक से ज़्यादा फ़ोन ऑर्डर कर सकते हैं एक विद इन सिंगल ऑर्डर। तो आप एडिट माई ऑर्डर में जाके आप फिर से और नंबर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी और के लिए भी अगर फ़ोन लेना है साथ ही साथ, तो आप वो ऐड कर सकते हैं और उनका डिलीवरी पिन कोड भी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पे बटन पर टैप करते हैं। अब आपको पेमेंट वाला स्क्रीन ये पूछेगा। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पेमेंट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, जियो मनी, पेटीएम और नॉर्मल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और आपका इंटरनेट बैंकिंग। और ये अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये गवर्नमेंट जिस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, यूपीआई पेमेंट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देता है। तो आपको पेमेंट के लिए आगे बढ़ना है, कोई भी ऑप्शन आप अपनी मर्जी का चूज़ कर सकते हैं। कार्ड डिटेल्स डालिए और फिर मेक पेमेंट करिए। जैसे ही आप OTP ऑथराइज करके पेमेंट पूरा कर देते हैं, जियो की तरफ से आपको ऐसा एक मैसेज आएगा जो कि कंफर्म करेगा कि आपकी बुकिंग हो गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें कई तरह की जानकारी दी गई है। इस मैसेज में आप देख पा रहे हैं, यू हैव रिसीव्ड द बिलो प्री बुकिंग वाउचर्स। इसका मतलब है आपने अगर एक से ज़्यादा फ़ोन का ऑर्डर दिया है उस सिंगल ऑर्डर में, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे वाउचर नंबर और मोबाइल नंबर दिया गया है। कितने आपने मोबाइल बुक किए हैं उस पर डिपेंड करेगा काउंट ऑफ वाउचर्स। इसके अलावा एरिया पिन कोड जिस पे आपने बुकिंग की है, उसके अलावा स्टोर और रिटेलर का एड्रेस दिया जाएगा जहाँ से आपको फ़ोन डिलीवरी लेनी पड़ेगी। जब आपका फ़ोन अवेलेबल हो जाएगा, आपको एक नोटिफिकेशन SMS भेजा जाएगा और आपको अपने रिटेलर के एड्रेस पे जाके वो फ़ोन डिलीवरी ले लेनी है बाकी के ₹1000 पे करने के बाद। इसके अलावा इस मैसेज में ये भी बताया गया है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग प्री बुकिंग की जानकारी कैसे पा सकते हैं, कि आपकी प्री बुकिंग का स्टेटस क्या है। तो उसके लिए आपको जिस नंबर पर आपने बुकिंग की है, उस नंबर से आपको इस 1-800 वाले नंबर पर मिस कॉल देना होगा और आपको सारी जानकारी SMS के द्वारा दे दी जाएगी। अपनी प्री बुकिंग को ट्रैक करने के लिए इसके अलावा एक और तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि है MyJio ऐप में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप MyJio ऐप में जाते हैं, आप स्वाइप लेफ्ट करते हैं और प्री बुकिंग वाले स्क्रीन पर ही आपको मैनेज बुकिंग नाम का ऑप्शन दिखता है। आप उस पर क्लिक कीजिए, ये आपको माई वाउचर्स वाले स्क्रीन पर ले जाएगा। जैसा कि आपने मैसेज में देखा था, माई वाउचर्स में भी दिखा रहा था, वैसे ही आपको यहाँ पे भी माई वाउचर्स में आपको अपनी प्री बुकिंग दिखेगी और यहाँ से भी आप उसका स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि आपने देखा माई जियो ऐप से घर बैठे जियो फोन की बुकिंग करना बहुत ही आसान है। आपको कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ एक अपना फ़ोन चाहिए और उसमें आप माई जियो ऐप में जाके जियो फोन की बुकिंग कर सकते हैं और घर बैठे ही आपको पता चल जाएगा जब आपका जियो फोन आएगा। हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।